एसाल सवाब का सही तरीक़ा। मरहूमीन को सवाब पहुँचाने के लिए सिर्फ नीयत काफ़ी है कि इसका सवाब फ़लाँ शख्स को पहुँच जाए, या बख्शना ज़रूरी है? अगर बख्शना है तो इसका तरीक़ा बता दें। बिनते जमाल कराची से। देखें, एसाल सवाब के लिए इतना काफ़ी है, दिल में ये नीयत कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह मैं जो ये नेकी कर रहा हूँ इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा दे, बस इतना काफ़ी है। ये बख्शना का जो लफ्ज़ है, ये अल्फाज हैं, ये वैसे भी आमियाना अल्फाज हैं, ये कोई आलिमाना या इल्मियाना अल्फाज नहीं है, ये तो आवाम में मशहूर हो गए, उसको बख्श दिया, अजीब सा लफ्ज़ लगता है ये हमें तो। ये साल सवाब कितना महज़ब लफ्ज़ है, बस दिल में नियत कर लें इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे, या दुआ कर लें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ये मैंने नेकी की है तो अपने फ़दल से इसका सवाब फ़लाँ को भी पहुँचा दे, बस इतना काफ़ी है। फ़ोन पर तजदीद निकाह हो सकता है, क्या तजदीद निकाह फ़ोन पर हो सकता है? अगर हो सकता है तो तरीक़ा बता दें। महमूदुल हसन जिद्दा से। भाई निकाह भी हो सकता है, तजदीद निकाह भी हो सकता है, उसका तरीका ये है, अपनी बेगम से आप बोलें फ़ोन करके कि मुझे इख्तियार दे दो, मैं तुम्हारा अपने आप से इतने महर में दोबारा निकाह पढ़ा दूँ। बेगम आपको फ़ोन पर इख्तियार दे दे, फिर आप दो गवाहों के सामने बैठें, वो गवाह फ़ोन पर ना हो, गवाह सामने हो, दो बंदों को कहें कि भाई ये मेरी वाइफ है, ये नाम है, ये अब्बा का नाम है, साबिका वाइफ है, तो इससे मैंने दोबारा इतने महर में निकाह कर लिया, आप लोग गवाह रहो, इस तरह से हो जाएगा निकाह। बेहतर ये काम खुद करने के बजाय किसी आलिम से करवाएं ताकि अल्फाज में कोई गलती ना हो।